press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Very good, sir. Post trailer out of URI, the surgical strike on social media, what's your take on that? It's amazing, it's wonderful, it's great. I'm feeling amazing about it. I'm tweeting myself. बहुत सारे बीजेपी के एमपी लीडर्स ने इसको ट्वीट किया है शेयर किया है आई हैव नो आईडिया ऐसा हुआ है यस ऑफ कोर्स ऐसा हुआ है एंड आई कैन शो यू दैट आई कैन आई हैव अ प्रूफ विथ मी और अमर उजाला ने कहा है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है अलग तरह की डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक है पाकिस्तान पे क्या कहना चाहेंगे मेक्स मी हैप्पी बट द होल पॉइंट इज लाइक आई सेड लास्ट टाइम आल्सो व्हाटएवर आई एम डूइंग इट फॉर द इंडियन आर्मी आई एम नॉट डूइंग इट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनीबडी It's only for Indian Army. This is the least we can do as filmmakers for Indian Army. Okay, दोनों तरफ की आवाम, हिंदुस्तान पाकिस्तान की ट्विटर पे लड़ाई चालू है और लोग ये पूछ रहे हैं कि हकीकत क्या है इनफैक्ट पाकिस्तान में तो ये हो रहा है कि आवाम प्रशासन से पूछ रही है सरकार से पूछ रही है कि बताइए जो हिंदुस्तान कह रहा है वो सच है और या जो आप कह रहे हैं वो सच है क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी फैंस के बारे में आई थिंक 11 जनवरी को सबको पता चल जाएगा हकीकत क्या है अच्छा उसके अलावा एक बात और भी आई है कि जैसे ही ट्रेलर आउट हुआ मुझे ये पता है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी आर्मी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देगी और बहुत करारा जवाब देगी ऐसी ऐसी हर हरकतों का जिस तरह की वार चल रहा है सोशल मीडिया पर उस पर क्या कहना चाहेंगे दोनों तरफ के ट्विटर पे वार चल गया ट्रेंड हो रहा है सब कुछ क्या बात है क्या कहना चाहेंगे अभी तो मतलब मैं यही कहूँगा कि लाइक लोग फिल्म देखने आए और उनको पसंद आए मैं बस वही चाहूँगा और मैं यही चाहूँगा कि उनको ये समझ में आए कि इंडियन आर्मी कितना सैक्रिफाइस करती है अपने देशवासियों के लिए जैसे कि दोनों तरफ के लोग पूछ रहे हैं तो सच क्या है 11 जनवरी को आपको पता चल जाएगा सच क्या है पाकिस्तानी फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या आपको लगता है कि इस तरह के माहौल से पाकिस्तान में फिल्म का रिलीज़ होना थोड़ा सा मुश्किल होगा शायद होगा बट उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैंने हिंदुस्तानी या मैंने अपने देश के लिए बनाई है फिल्म मैंने अपने देशवासियों के लिए बनाई है फिल्म और मैंने अपनी आर्मी के लिए बनाई है फिल्म तो अगर पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तानी फैंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो पसंद करते अगर वो ट्रस्ट करते हैं अगर वो एक बार ये फिल्म देखें उन्हें भी समझ में आएगा कि इसमें पाकिस्तानी जनता के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं बोला जो भी बोला गया वो टेररिज्म के खिलाफ बोला गया अगर वो ये समझ जाएँ कि हम टेररिज्म से लड़ रहे हैं हम किसी जनता या किसी इंडिविजुअल से नहीं लड़ रहे हैं आई थिंक उनको भी बहुत पसंद आएगी ये आई एम नॉट हैप्पी आई एम जस्ट सेइंग दैट आप हर एक की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्लियर कर सकते इस दुनिया में जिस तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है सब कुछ हो रहा है डिजिटल में सोशल माध्यम पे कितना खुश है क्या उम्मीद की थी इतना सब कुछ होगा नहीं उम्मीद नहीं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच